भागलपुर के मैंगो मैन के विकसित किया गया कई प्रकार का कलरफुल मैंगो आज अपनी खूबी से जाना जा रहा है। आपको बता दें कि यहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी बिहार के मुख्यमंत्री के तरफ से सौगात के बाद के रूप में जरदालू आम भेजा जाता है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के महेशी में रहने वाले मैंगो मैन अशोक चौधरी के बगान की खूबसूरती देखते ही बनती है। देखिए मैंगो मैन किस तरह अपने बगान को कलरफुल मैंगो बगान के रूप में बनाने में कामयाब हो सके। उन्हीं की जुबानी सुनिए और बागवान में मौजूद रंगीन आमों की खूबसूरती का आनंद लीजिए। जिसको आपने कलरफुल मैंगो के तौर पर डेवलप किया है। देखिए हम अपना जो है इरविन से क्रॉस करा के या रंगीन कलर से बहुत सा क्रॉस करा के नया नया वैरायटी बीजू लगाने का शौक रहता है। 10-20-25 बीजू लगा देते हैं, उसमें जो पसंद आता है कलर उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसमें जो सेलेक्टेड वैरायटी रहता है तो अगर उसमें गुण रहता है तो किसानों को भी उसमें विकसित करने के लिए किसान को भी देते हैं उसका पौधा। और जितना भी जैसे दिल्ली से कुछ विकसित किया गया है लालिमा प्रतिभा या अरुणिमा सूर्या या बहुत सा वैरायटी, तो सारा वैरायटी लखनऊ से जैसे अंबिका अरुणिका है, विदेश का जैसे कुछ वैरायटी है फेमस वैरायटी, उस सब का भी कलेक्शन रहता है। और सब मिला जुला के हमारे पास जो है 20-22 वैरायटी या 25 वैरायटी होगा जो काफ़ी कलरफुल है, वो कलर काफ़ी सुंदर। नाम क्या क्या रखा आपने? देखिए हम जो यहाँ से विकसित किए हैं कुछ वैरायटी, उसमें जैसे नवरात्रा फेमस में से है कलर में से, अभी फिलहाल जो है 19 में हम निकाले हुए थे मोदी 2, मोदी 1 14 में निकाले थे। और इसके अलावा लॉकडाउन मैंगो भी लॉकडाउन मैंगो भी कलरफुल था, फुल था। एक भागलपुरी बम्बई हम नया विकसित किए हैं, वो भी कलरफुल है। बहुत सारा कलरफुल यहाँ से विकसित किया गया है। और अन्य जगहों का जितना कलरफुल आम है दूसरे जगह का, उसका भी हम संग्रह किए हुए हैं। विदेश से कौन कौन आम को आपने यहाँ डेवलप किया? विदेश से देखिए विदेश का जो वैरायटी है वो तो हम क्या डेवलप करेंगे, उससे क्रॉस करा के हम नया वैरायटी भले ही जात किए हैं। जैसे उसमें से मोदी 2 लॉकडाउन सब वही सब क्रॉस है। और कुछ संरक्षण मैंने किया है जो पुराने जमाने के बाप दादा के जमाने का जो कि विलुप्त हो जाता, विलुप्त हो जाने वाली प्रजाति को जब कटने लगा होगा तो उसमें से जो लाखों में एक था बीजू, उसका हम कलेक्शन करके रखते हैं। वो खाने में इतना बेहतरीन है कि उसका भी डिमांड काफ़ी लोग अब करते हैं और उस पौधे को लगाते हैं।